अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो गए, हर चीज कौन को बताएंगे, अच्छा भी बताएंगे बुरा भी बताएंगे। बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बाकी केसेस का भी यही असर होने जा रहा है। देखिए 75 साल से पाकिस्तान की हिस्ट्री 6 को 9 को 6 रही है, तो नथिंग न्यू। अगर ये भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले जो था वो भी प्रॉब्लम नहीं, वक्त हर वक्त जरूरत निकाल भी देते ले भी आते। आप इतना मानते हैं कि ये मिशन रिपोर्ट है क्या करेंगे? मेरे ख्याल से कुल्हाड़ा मारा है बीजेपी ने अपने ऊपर, और मेरा अपना ख्याल है कि यूजली इस टाइप की चीज़ों के बाद पार्टी बैन की तरफ जाती है। और अगर आप देखें एनपीएम लंदन को, तो उनको बैन किस बात पे किया था, इसी तरह की चीज़ें। और अगर आप तहरीक लद्दाख को भी देखें तो वो तो मुल्क के साथ भी मुखलस हैं, फौज के साथ भी, अफिया के साथ भी, उनको फोर्थ शेड्यूल में डाला हुआ है क्योंकि वो चुइंगम और जीन्स ही पहनते हैं। मुझे यही लगता है आप इतना सियासी जमातों को बैन करना एक ऑप्शन होना चाहिए। देखिए अगर आप असूली तौर पे नहीं, लेकिन अगर सियासी जमातें उस लेवल पे चली जाएंगी मुल्क तोड़ने की साजिश कर ले जाएंगी उनको, और एक कियोस क्रिएट करते दुश्मन का काम करना शुरू हो जाए, तो वो तो मुझ पर और आप पे भी आपकी जरूरत। लेकिन माजी में नवाज शरीफ साहब भी हमूदुररहमान कमीशन रिपोर्ट के ऊपर बात कर चुके हैं। मैंने कहा ना 6, अब 9, फिर 9, फिर 6, चलता रहेगा, कोई मसला नहीं। थैंक यू।